न्यू ब्लॉग और जैसे कि आपको लग रहा होगा कि आज भी हमने शाम को ब्लॉग चालू किया है इसका मतलब आप सही हो सॉरी होली भाई सुबह सुबह ब्लॉग ही चालू नहीं करते यार इस भरने वरने तो की वजह से ना यार देखते ये जो पैंट है ना ये पैंट यार देखो जेब के पास चैन नहीं है ना और जहाँ पर जेब के बाद चैन नहीं होता वहाँ पर अपने दिल के अंदर चैन नहीं होता क्योंकि ये वाला मोबाइल एक बार गिर गया था और मेरी दिल की धड़कन वन वन नाइन्टी पहुँच गई थी मेरी दिल की धड़कन वट शुड आई डू ब्रो वट शुड आई डू डर लगता है यार मोबाइल गिर ना जाए इसलिए मैं ये वाला मोबाइल में, में ज़्यादा कैरी करता हूँ नहीं और मैं लिटरली ब्रो पूरे दिन से आज मैंने ओले मोबाइल को अभी अभी बाहर निकाला है अभी समझ रहे हो जो दूसरी पैंट होती है ना भाई उसके अंदर जेब के अंदर चैन है जेब में डालो चैन लगाओ निकल पड़ा कहीं पर भी पर ये वाली इसके अंदर है नहीं ना फिर जब भी हम मतलब कूदते वूदते हैं ना तो मोबाइल बाहर गिर जाते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है खो गया तो समझ रहे हो क्योंकि क्यों अभी तो यूट्यूब वाले पेमेंट तो दे रहे हैं नहीं समझ रहे ना व्यूज़ आ रहे हैं ये वाला फ़ोन खो गया है तो फिर तो भाई जी प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत बड़ी इसलिए इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर लिया करो और माफ़ करना है छोटी वीडियो के लिए क्योंकि यार मैं मोबाइल ले बाहर लेके घूम नहीं पाता और उसके वजह से मैं वीडियो बना नहीं पाता और बिना वीडियो के व्यूज़ आते हैं नहीं ठीक है इसलिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपने साथ मोबाइल रखूँ और मुझको डार्क दिख रहा है आँखों के नीचे जो काले डब्बे इनको मुझे गायब करना उनसे भी गायब करनी है फेस की जिससे कि मैं एकदम अच्छा और खूबसूरत सा बन जाऊँ हैंडसम माय माय बैड हैंडसम बन जाऊँ जिससे कि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आए जैस जो बस यही है भाइयों कि थोड़ा सा करो समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ लाइक सब्सक्राइब और शेयर विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लिप डोंट वरी वीडियो है बड़ी है वीडियो बड़ी है, बड़ी है। चार पाँच मिनट की तो बना ही देंगे क्यों ना बताए है ना लेट्स गो सो बॉयज एंड गर्ल्स जैसे कि आप देख सकते हो बच्चे लोग घर जा रहे हैं स्कूल से और हम खेत में हैं खेती कर रही बहुत प्यारी बेहो है कुछ नहीं भाइयो बस कुछ है नहीं यार बताने के लिए और कुछ मेरी जिंदगी के अंदर आपको मेरे शेड्यूल बता दो आई गेट अपट पी एट एम 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 एट ए एम देन आई डू नथिंग I coming hosh, hush coming. Uh, at least half an hour coming hush. Then I come down. Then I ask my dad what's work today. My dad say nothing. Then I go up to my room. Take bath. I have my own uh, washroom, so I take bath alone. And everyone take bath alone. Just say okay. And uh, then uh, I open my laptop and sit there for like five and uh, five, uh, ह हाँ। फिर पापा बोलते हैं कि कुछ काम है नहीं उसके बाद मैं अपने रूम के अंदर जाता हूँ नहाता वहाता हूँ उसके बाद नीचे आता हूँ उसके बाद आके कॉर्नवन लेते जैसे कि आप मेरी वीडियोज़ के अंदर देखते हो ठीक है फिर कॉर्नवन ले घर जाते हैं कॉर्न रखते हैं फिर मैं थोड़ा सा चिड़चिड़ा बन जाता हूँ क्योंकि मिट्टी लग जाती है ना बहुत सारी फ़ेस को और मुझको है मिट्टी से बहुत ज़्यादा एलर्जी और फिर सर्दी हो जाती है फिर सर्दी होने के बाद मुझको आता है बहुत ज़्यादा गुस्सा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है मेरे को उसके बाद में चुपचाप कुछ बोलता नहीं सब कुछ काम खत्म ऊपर वाले घर में जाओ जाके अंदर बैठ जाओ कुछ नहीं करना और कुछ नहीं करना बस जाके बैठ जाओ अच्छे बच्चे की तरफ बैठ जाओ जाके बस कुछ उसके बाद गेट अप एट फाइव ओ क्लाक पाँच बजे मैं नीचे आता हूँ नीचे आने के बाद जैसे क्या भरना हुआ वो भरना करो और कुछ नहीं होता है तो एक और मक मक कौड़ी लाके डाल दो फिर पापा खिलाते पिलाते उनको उनका दूध निकालते हैं और डेरी में ले जाने देते दे। दूध डेयरी तो पता ही होगी ना जहाँ पर बहुत सारे गायों का दूध जाता है फिर वो लोग उसके अंदर पानी मिलाते हैं उसका तूप जो होता है घी बाजू करते हैं दूध बाजू करते हैं उसके मलाई बाजू करते हैं फिर उसको बेचते हैं डबल रेट में हमको मिलता है थर्टी रुपीज़ लीटर सिटी में जाते हैं सिक्सटी रुपीज़ लीटर ऊपर से पानी डाल के समझ लो कितनी ये वो ऊपर से पाउडर भी मिक्स करते हैं कुछ कुछ लोग ऐसा मैंने सुना है ठीक है मैं नहीं बोल रहा ठीक है कि मैंने सुना है जस्ट से सो यही है टू मच सैडनेस इन फार्मिंग लाइफ ब्रो फैक्टिंग प्रूफ द हेल वॉज दैट फेसिंग ट्रूथ फेसिंग ट्रूथ ब्रो फेसिंग ट्रूथ जस्ट से ये सच्चाई है हम हमारे यहाँ पर जो डेयरी है हमको थर्टी रुपीज लीटर देती है रोकड़ा ठीक है तीस रुपये लीटर हमको हम यहाँ से जाता है और जो सिटी में मिलता है वो सिक्सटी होता है ऊपर से उसके अंदर पानी मिक्स होता है जिस से ही ना उसके अंदर पानी मिक्स करते हैं उसके बाद उस बेचते हैं और यहाँ से एकदम ताज़ा ताज़ा दूध हम देखो ज़्यादा से देखो हमारा किसके पैसे होते हैं फ़ैट के पैसे होते हैं फ़ैट है। मतलब जो जितना दूध की क्वालिटी होती है ना उसके पैसे होते हैं उसके अंदर पानी मिक्स किया ना उसकी क्वालिटी गिर जाती है और पैसे गिर जाते हैं समझ लो इसलिए हम दूध के अंदर पानी ऐड नहीं कर सकते ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा हम एक वो तांबे होते हैं ना तांबे मतलब तो दो दो ग्लास अपन पानी ऐड कर सकते हैं दो ग्लास से ज़्यादा पानी ऐड नहीं कर सकते देखो अभी पानी आ गया यहाँ पर अभी हम जाएंगे जाएँगे वहाँ तक जाने तक ये पीछे वाला जो पैच है ना ये पैच सारा भर जाएगा सो so, यही है भाई जी फार्मिंग की सैड स्टोरी कि कोई फार्मिंग प्रमोट नहीं कर रहा भाई क्या सबको बस पैसे ही पैसा चाहिए बताओ इंडिया के फार्मर जान दे दे जान दे दे फार्मर ऑनियन का रेट कम है सारी चीज़ों का रेट कम है साला इधर से जाता है आठ रुपए का और उधर जाके सोलह रुपये का बेचते डबल बेचते भाई जी थोड़ा तो शर्म रखो यार और यहाँ पर हम पानी भी नहीं डाल सकते दूध के अंदर पानी डाला तो पैसे कम हो जाते हैं और वो उधर पानी भर भर के डालेंगे और तुमको बेचेंगे और तुमको गंदा दूध पीने को मिल जाएगा वो तो देखो दूध पीने के बाद ऐसी बॉडी बन जाती है ये शर्ट टाइट हो रही थी देखो हाँ लूज ब्रो पाउडर भी नहीं खानी पड़ी चलो नेक्स्ट क्लिप में मिलते हैं सैड स्टोरी बंद करते हैं लोग आप बोल रहे होंगे कि ये क्या बार 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 ब्रेक ले रहा है देखो जैसे बोला था ये वाला भर गया वो भर गया वो भर गया इधर सारे भर चुके हैं वो जो दो है उनको मैंने सुबह ही भर दिया था तीन भर दिए थे वैसे पर इसके अंदर थोड़ा सा सूखा रह गया था ना ये ओला इसके अंदर सो ये अभी दो भरे इसके अंदर पानी चालू है ये ले इसके अंदर इसके अंदर मैंने अभी ये मारा इसको बोलते इरिया इससे ना क्या बोलते हैं ग्रोथ फास्ट होती है और क्योंकि ले यार इधर चारे की बहुत कमी है समझ रहे हमारे पास उतना ही पाया बचा है अभी चारे का फिर उसके बाद चारे की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी नहीं उसके बाद हमारे घर के पास जो है ना वो है फिर ये उगेगी फिर इसको खिलाएंगे सो चारे का होता है फिर ये डालना पड़ता है इसको नहीं डालना भाई ये जल जाता है समझ रहे उगता नहीं है टूडेज़ फार्मिंग वो टू मच स्टफ और ये बाबा मकाई जस सिंह ज़्यादा कुछ खाने के नहीं है उस गाय को खाने के लिए होता है सो so इसके अंदर लास्ट टाइम मैंने फवारा मारा था फवारा मतलब वो ये घास जलाने के लिए देख रहे हो कैसे जलने लग गई है ये सारी वाइट वाइट पड़ गई ये पूरी राख हो जाएगी उनकी बस इतनी है भाई ये स्टार्ट सॉरी देखो उधर से पानी आ रहा है और कुछ है नहीं यार बताने लायक फ्रंट कैमरा चालू करते रुके फ्रंट कैमरा चालू हो गया तो so, अभी नेक्स्ट टाइम अभी आऊँगा ना पीछे वो लेके आना पड़ेगा देखो यहाँ पर जो ये ना छेद उनको भर रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम ओवरफ्लो हो गया था ना लीक हो गया था अब बोले कि यारे बहुत ज़्यादा ही बात कर रहे हैं बिन काम का सो so, अभी मिलते हैं कुछ यूनिक चीज़ होगी तो मैं बताऊँगा ठीक है लचको पॉइस कितना पीसफुल लग रहा है कितना पीसफुल देखो सनसेट है उधर पहाड़ के पीछे जाने वाला सन हाउ पीसफुल इज दिस ब्रो कितना पीसफुल जगह है भाई कोई शोर नहीं है कोई नहीं है चिड़ियों की चिलचाने की आवाज़ थोड़े से ह्यूमन से वहाँ पर बस उस कॉर्नर में देखो वहाँ पर उधर थोड़े से लोग हैं बस भाई कितना पीसफुल जगह है भाई मुझे तो बहुत मज़ा आता है इसी बात पे एक लाइक मार देते तो मज़ा हो जाता और लेट्स गो विल मीट यू नेक्स्ट बॉयज एंड तुमको दिख रहा है नहीं ये देखो भाई आसमान में इतनी सारी चिड़िया है ना भाई एंड रात हो चुकी है एंड दिस इज लास्ट ये जगह मतलब ये क्या बोलते हैं सारा और ये डालने का लास्ट ही बकेट खत्म हो चुका है ये डालना भी ये या आ चुका है आप भरने के लिए अपन जा रहे हैं अभी कितनी सारी है भाई सिटी में दिखती है इतनी मैं मैं खुद सिटी में क्या पूछ रहा <laughs> जोकिंग पर ये बड़ा होने के बाद उतनी इरीटेटिंग बन जाता है बैठने के लिए जगह होती है यहाँ पर यार बैठने की जगह नहीं इसके अंदर बैठूंगा ना भाई हालत खराब हो जाए नही खुजा खुजा गया हाथ नेक्स्ट क्लिप में हैं लाइव अडे लाइव अपडेट गाइस इट्स बी नाइट और मैं अभी ये चने भर रहा हूँ सो so, इसके बाद तो ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला इसके बाद मैं घर जाऊँगा मोटर बंद करके आऊँगा खाना खाऊँगा और सो जाऊँगा ठीक है सो so, ये वीडियो अपन यहीं पर एंड करते एकदम अंधेरे के अंदर सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर एंड मिच्यूर नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए बाबा पिसा